हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन इसके अंदर जो भी इतनी भी ट्रिक्स वगैरह है उनकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन जो बात करेंगे जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनकी बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स वगैरह कैसे आसानी से याद रखा जाए उनकी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपॉन मैं बता दूँ आपको कि जो ये क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं वो अकॉर्डिंग द राइपनिंग यानी कि उसके पकने के आधार पर या पकाव के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रेंड्स ये फ्रूट का क्लासिफिकेशन है, ये उसके पकाव के आधार पर है। फ्रेंड्स, आप कई बार सोच लेते हो कि ओनली यही है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे क्लाइमेट के अनुसार भी होते हैं, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, सब टेम्परेट वगैरह हो गया, और फ्रूट के टाइप के अनुसार भी होता है, जैसे बेरी ड्रूप या फिर पीपो पॉम अदर भी नट्स वगैरह कुछ भी। तो अपन आज ओनली फॉर जो बात करेंगे ट्रिक्स की वो करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपिंग। तो बात करेंगे पकाव की, तो पकाने की बात करते हैं। तो फर्स्ट अपॉन आता है एक क्लाइमेटिक फ्रूट। तो क्लाइमेटिक फ्रूट के अंदर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्लाइमेटिक फ्रूट, तो क्लाइमेटिक फ्रूट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स और क्या होता है क्लाइमेटिक फ्रूट्स? तो अपन बात करते हैं फ्रूट कैन राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि वह फल जिनको तोड़कर बाद में पकाया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट। तो फ्रेंड्स आप याद रखना कि जिनको तोड़कर अपन पहले तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद में आसानी से पका सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट। तो वैसे तोड़ लिया जाता है, चाहे फिर उसे बर्फ़ वगैरह से पकाया जाओ या फिर गैस ये वगैरह से या फिर कोई हार्मोन्स वगैरह से जैसे इथाइलिन वगैरह हो गया, तो वो सब क्या आते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट के अंदर ही ये जितना भी कार्य होता है ये इसी के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स अब आज अपन बात करेंगे जो इनके एग्जाम्पल की, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स मैंने कई बुकों में देखा है जिनके अंदर ये एग्जाम्पल वगैरह देके पूछ लेते हैं कौन सा क्लाइमेटिक फ्रूट है कौन सा नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो क्लाइमेटिक फ्रूट्स का बात करेंगे जो होता है मैंगो एंड बनाना एंड स्पोटा एंड गुआवा एंड पपाया एंड फिग एंड पेच एंड एप्पल। तो फ्रेंड्स ये है ना, इनके अंदर ओवरऑल जितने भी एग्जांपल थे सब के सब कवर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अपन बात करते हैं आज की ट्रिक की। तो बात करते हैं होता क्या है कि एक बार आम और एक केला होता है, तो आम के और केले के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई। तो पता है लड़ाई होती है तो आम केले से बोलता है कि एक सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे मारने से है फ्रेंड्स, ये सपोर्ट का मतलब है मारने से, सपोर्ट लगाना नहीं, सपोर्ट मारने से, यानी कि किसी के ऊपर थप्पड़ मारना या उसको कैसे भी मारना, वो मारने से कोरिलेट किया गया है यहाँ पे। तो बात करते हैं आम बोलता है केले से, आम बोला केले से कि सपोर्ट लगेगा जा गिरेगा अपने पापा के पास। तो आम बोलता है कि एक सपोर्ट लगेगा ना तो जा गिरेगा अपने पापा के पास में। तभी होता क्या है कि पीछे पीछे ये सब चीज़ ये सेव देख रहा होता है, तो सेव क्या होता है? केले के पक्ष में होता है। तो सेव पीछे से बोलता है, फिर पीछे से सेव देखकर बोलता है ना, देखकर बोलता है कि ऐसे कैसे मारेगा या ऐसे कैसे ही तू सपोर्ट लगा देगा। तो वो बोलता है पीछे से, सेव पीछे से देखकर बोलता है। तो फ्रेंड्स आपको ट्रिक तो याद हो गई कि आम केले को, आम बोलता है क्या है केले को कि सपोर्ट लगेगा और जा गिरेगा अपने पापा के पास, और फिर पीछे से सब कुछ ये कौन देख रहा होता है? सेव। तो सेव देखकर बोलता है कि हाँ ऐसा कैसे मार देगा भाई तू, मैं भी तो हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसको कोरिलेट करने की। तो अब कोरिलेट करते हैं आम से आपको पता ही है मैंगो, इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, केले का भी पता है आपको बनाना, ये भी कोरिलेट हो गया, सपोर्ट यानी सपोटा, तो सपोटा से सपोर्ट कोरिलेट कर लीजिएगा और इससे हो जाएगा, और जा गिरेगा मतलब गिरने से आ जाएगा गुआवा जो आपका अमरूद होता है, और अपने पापा के पास तो पापा से आ जाएगा पपाया है ना के पास, फिर पीछे से कौन बोलता है? सेव। तो फिर से आ जाएगा फिग। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि फिर से अपन ने कोरिलेट किया है फिग को, फिर पीछे से क्या बोलता है? सेव देखकर। तो पीछे कहाँ से देखकर? पीछे से, तो पेच आ गया ना, तो पीछे से पेच ये हो गया, और बोलता कौन है? सेव। तो सेव से क्या आ गया? एप्पल। आई होप फ्रेंड्स कि ये ट्रिक आप लोगों को
पसंद आई होगी। और ये ट्रिक आपको दो बार बोलनी है, दो बार बोलने के बाद में आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आम और केले के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो वो क्या है कि केले को बोलता है एक सपोर्ट लगेगा और जागिरेगा अपने पापा के पास, और फिर पीछे से सेव देखकर बोलता है ऐसे कैसे जागिरेगा भाई, मैं भी तो हूँ। तो उस वजह से उसको कोरिलेट करके आप हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करते हैं जो सेकंड होता है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनको कि तोड़कर नहीं पकाया जा सकता है। डोंट राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में राइप नहीं किया जा सकता या पकाया नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं उनको तोड़ने के बाद में कभी भी नहीं पकाया जा सकता। और एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर नॉन क्लाइमेटिक चीज़ होगी या नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट वगैरह होंगे वो आते हैं ओनली फॉर सीट्रस वाले, कि ज़्यादातर जिनमें खट्टेपन पाए जाए ना वो समझ लो कि आप नॉन क्लाइमेटिक है। जैसे सीट्रस के अंदर जितने भी आ गए ना, जैसे कि नींबू वगैरह हो गया, किन्नो वगैरह हो गया, संतरा वगैरह हो गया, ये सब नॉन क्लाइमेटिक है। और ग्रेप्स क्या होते हैं, खट्टे ही होते हैं ना। तो अपन बात नहीं करते क्या कि हाँ अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, तो खट्टी चीज़ें जितनी भी होंगी वो नॉन क्लाइमेटिक के अंदर होगी। इसके अंदर ट्रिक की कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जो खट्टी है वो नॉन क्लाइमेटिक है। जैसे पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल आपने खाया होगा, वो भी खट्टा होता है। और बात करते हैं लीची की, लीची भी खट्टी होती है। और कच्चे बेर होते हैं वो भी खट्टे होते हैं, पके हुए बेर मीठे होते हैं, लेकिन खट्टे वो कच्चे होते हैं ना, वो खट्टे बेर होते हैं फ्रेंड्स। और पोमग्रेनेट, ये खट्टे तो नहीं होते लेकिन इनके अंदर कसैलापन होता है फ्रेंड्स। तो अपन बात करेंगे कि ये तो आप आराम से आसानी से याद कर लोगे। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।